नमस्कार, समाचार प्लस के खास कार्यक्रम चुनावी घुमक्कड़ में आप सबका स्वागत है। मैं बदयुजमा इस वक्त आ चुका हूं बस्ती में। बस्ती का ये सदर इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, और बता दूं कि इस वक्त तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। हम कलेक्ट्रेट जो है वो जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में इस वक्त मौजूद हैं, और तमाम लोग हमारे पास यहां पर हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, कारोबारी हैं, एडवोकेट हैं, तमाम वो लोग हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले जनता की बात करते हैं, तो जनता से ही पूछते हैं कि ये जो विधानसभा चुनाव 2017 होने वाला है वो किन मुद्दों पर इस बार लड़ा जाएगा, बस्ती में कौन से मुद्दे प्रभावित रहेंगे? विकास के, विकास विकास कम से कम 15 साल 20 साल से जितने विधायक होते हैं कोई विकास करने वाला नहीं है। ये हमारा नेता इस समय असुर राज जो हम लोग सपोर्ट किया, पूरे एरिया सपोर्ट कर रहा है कि उनको जिताकर नया नया एक विकास लाया जाए। कौन कौन से काम बाकी रह गए हैं यहाँ पर बस्ती में, क्या किन किन चीजों की दिक्कतें हैं? सर, भी बहुत दिक्कतें इसमें हैं, जैसे कि रोड की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कतें हैं, लाइट की दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं अभी है, भी कोई समस्याएं पूरी। रोड की बात कर रहा हूँ, आप हाईवे तो बड़ा अच्छा बना है। नहीं, हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। सीवर जितने भी निकलिए, जितने भी वार्ड में जाइए, किसी के रोड सही नहीं है सर, नाली वगैरह सब एकदम बिल्कुल सही नहीं है। बिजली और पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या सर, शुगर मिल है जिसकी वजह से किसानों को बड़ी दिक्कत हो गई है। उनकी जो कैश की आमदनी थी वो खत्म हो गया है। यहाँ के बस्ती शुगर मिल बंद हो गया, मुंडेरवा बंद हो गया, वाल्टरगंज भी बंद होने कगार पे है। सबसे बड़ी समस्या ये है, आर्थिक स्थिति किसानों की बहुत खराब होती जा रही है। बस्ती में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, शुगर मिल और तमाम जो है जो रोजगार से भी जुड़े चीजें यहाँ पर बहुत उनका सख्त टोटा है। मैं रायकुरम श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष किसान डिग्री कॉलेज 1990। आप पूर्व अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है छात्रों की राजनीति की है आपने, उम्र भी आपकी हो चली है, तमाम पूरा आपने जो है बस्ती की नस नस से वाकिफ होंगे। क्या है बस्ती और क्या चाहिए बस्ती को वो बताएं। बस्ती को सबसे पहले चाहिए जो है स्वच्छ परंपरा वाली राजनीति, जिसमें एक तरफा न देखा जाए। जिस तरीके से आज तक 1990 से और ये 26 साल तक यहाँ राजनीति होती रही, एक तरफा देखा गया, नौजवानों को यूज किया गया, नौजवानों का किसी ने कोई जो है कोई रास्ता नहीं दिखाया, उनके लिए यहाँ कोई बेरोजगारी दूर करने की कोई समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया, युवाओं का यहाँ कोई भविष्य नहीं है। हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं जो कि यहाँ पर रालो से प्रत्याशी भी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं कि कौन है यहाँ का विधायक, कितने सालों से है, और उनमें और आप में, आप चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, क्या है जो फर्क पैदा करता है? जी देखिए, मैं यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी हूँ, 3 सदस्य बस्ती सदर से, और मैं एक युवा हूँ। और आपने पूछा कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन है, तो यहाँ पर बसपा की सरकार रही है पिछले 10 सालों से, उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस का विधायक रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ पर मैं एक राजनीतिक परिवार से जरूर हूँ, लेकिन मैं हकीकत तौर पर एक राजनेता नहीं हूँ। मैं भी इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में मैंने 11 साल नौकरी करी, और पिछले महीने की 20 तारीख को रिजाइन करके मैं यहाँ आया। तो यहाँ पर देखिए, जो समस्याएं बताई हैं, मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर, जो कि बिजली की, रोड की, पानी की, वो समस्याएं बिल्कुल हैं। लेकिन साथ ही साथ जो एक दिक्कत है यहाँ पर दिक्कत है कि एक कोई भी वैकल्पिक अर्थव्यवस्था नहीं है। अब बात हम लोगों ने जैसे पहले करी यहाँ पर कि कृषि की भी समस्याएं हैं, शुगर मिलें बंद हो गई हैं, जो शुगर मिलें चल भी रही हैं उसमें 2-2 साल का भुगतान बाकी है, तो वो समस्याएं भी हैं, और उन समस्याओं को लेकर भी हम लोग यहाँ उतरे हैं। लेकिन जो एक सबसे जो बेसिक यहाँ पर मुद्दा है कि कृषि के अलावा कोई भी और वैकल्पिक अर्थव्यवस्था नहीं है। और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो बस्ती है, बस्ती की मुख्य समस्याएं क्या हैं? बस्ती की सबसे मुख्य समस्या है, यहाँ के किसानों के लिए अभी तक किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। सबसे मुख्य समस्या है सिंचाई की समस्या। यहाँ पे जितनी भी नहरें हैं, सारी नहरें बंद हैं। अगर यहाँ पे सारी नहरें बंद हैं, और यहाँ इस जनपद में 3 नदियां हैं, सरयुमा है, कुआनो है, मनोरमा है। इस तीनों नदियों से अगर ज्वाइंट कर दिया जाए तो ये बस्ती जनपद की मुख्य जो समस्या है, सिंचाई की समस्या, ये खत्म हो सकती है। 3 नदियां होने के बावजूद सिंचाई की समस्या है। जी हाँ, सिंचाई की समस्या है। और सबसे बड़ी बात है ये बेरोजगारी। देखिए, बस्ती जिले से सटा हुआ जिला है अंबेडकर नगर, जहाँ पे टांडा है, टांडा के किनारे जो है वहाँ पे लघु उद्योग है, और लघु उद्योग में जितने भी मिले हैं अगर वो मिले बस्ती में भी अगर विकसित किया जाए तो काफी डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकता है, और युवाओं के लिए रोजगार हो सकता है। आज तक बस्ती जनपद में कोई भी नेता ना यहाँ की किसानों की समस्या सुना, ना यहाँ सिंचाई की समस्या सुना, ना बेरोजगारी की समस्या सुनी। बताएं कि जो बस्ती जिस तरफ बह रहा है, जिस तरफ चल रहा है, क्या वो सुखद अनुभव दे रहा है आप लोगों को? सुखद अनुभव नहीं दे रहा, उसका कारण है, यहाँ मुख्य व्यवसाय यहाँ का शुगर मिल था,
एक समय बस्ती में तीन तीन शुगर मिल थी, मुंडेरवा एक समय से बंद हो गई, वाल्टरगंज बंद हो गई, बस्ती सदर बंद हो गई, तो तीन शुगर मिल बंद हो गई, किसानों का बकाया करोड़ों रुपया बकाया मिल मालिक डकार ले गए, इतनी सरकारें आई और उन्होंने इंटरेस्ट भी ब्याज भी लिया और किसी किसान का पैसा करोड़ों रुपया आज मिलों में बाकी पड़ा है। जब तक इसका भुगतान मिलों को नहीं चालू किया जाएगा तब तक यही एक ऐसा रोजगार का साधन था, किसान इसी में गन्ना अपना पैसा नकद कर लेता था, गन्ना बेच के अपनी लड़की की सारी तमाम बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा उच्चा की व्यवस्था। बस्ती का जो हाल है, कानून व्यवस्था का जो यहाँ पर हाल है, उससे क्या संतुष्ट है आप? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं निर्दल प्रत्याशी श्री राकेश श्रीवास्तव का प्रतिनिधि हूँ और जैसा कि आपने समस्याओं को देखा, हर व्यक्ति यहाँ दलगत और जातिगत राजनीति से परेशान है, किसी भी दल को यहाँ पे किसी तरह का समर्थन किसी भी जनता से नहीं है और इसीलिए मूलभूत परेशानियों को लेकर हम निर्दल प्रत्याशी के साथ सभी लोग यहाँ पे सभी का मत निर्दल प्रत्याशी के साथ चल रहा, जितना भी आपने समर्थन देखा किसी दल को समर्थन नहीं मिल रहा, इसीलिए दल की राजनीति से इत्तफाक नहीं रखते आप? बिल्कुल, दल की राजनीति और जाति की राजनीति से अच्छा है व्यक्ति की राजनीति को देखा जाए। जिस तरह से पारंपरिक दल वाले हमेशा समीकरण के सिद्धांत पर चुनाव जीतते हैं, समीकरण के सिद्धांत पर उनको जातिवार टिकट दिया जाता है, कैंडिडेट वो अभी कभी विधानसभाओं में क्षेत्र की बात को उठाते नहीं है, अगर ऐसी बात उठाते तो कैसे मिले हमारी बंद हो रही है, कैसे युवाओं का पलायन हो रहा है। आपने अभी युवा साथी हमारे विवेक श्रीवास्तव जी का समस्या सुना कि युवा बहुत परेशान है, शिक्षा के लिए उनको बाहर जाना पड़ता, ऐसे ही हमारे प्रत्याशी राकेश श्रीवास्तव भी अपने व्यवसाय के लिए बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने जब व्यवसाय किया अपना और अपनी उन्नत किया तो उन्हें फिर अपनी माटी अपनी धरती की समस्या याद आई। इनका ये कहना है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जातिगत राजनीति करने लगी हैं जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं इस पर आप बहसियत कांग्रेस नेता के मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये स्थिति राजनीति के लिए कैसी है? ये राजनीति के लिए बहुत ही भयावह है, आप अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस न किसी धर्म की बात करती है न किसी जात की बात करती है, वो सबकी बात करती है, आम आदमी की बात करती है और निश्चित तौर पे आज कांग्रेस इसीलिए शायद यहाँ पीछे है क्योंकि हम किसी की भावना से नहीं खेलते हैं। अभी कुछ कहना चाहते हैं जी? हर जगह की ही समस्या है, हॉस्पिटल मेन समस्या है, उसके और उसके बाद की समस्या है शिक्षा, उसके बाद की समस्या है नौजवानों को रोजगार, ये चीजों से जो नेता हैं इन चीजों की बात वो दूर दूर तक नहीं करते हैं। उनको सबसे आसान आज का मुद्दा लगता है मंदिर मस्जिद, उनको सबसे आसान मुद्दा लगता है कैराना का मुद्दा, उनको सबसे आसान मुद्दा लगता है जातिवाद भावनाओं को जगाना। मैं पूछता हूँ उन नेताओं से, हाँ, ये सत्ता का एक शॉर्टकट है मेरा ख्याल जी, ये सत्ता का शॉर्टकट है। शिक्षक है हमारे साथ यहाँ पर, शिक्षक नेता है, आपसे जानना चाहूंगा कि जो बस्ती की शैक्षिक स्थिति है उसका आकलन आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, बस्ती में भी शिक्षा का विकास पर्याप्त नहीं है, बस्ती के हमारे नौजवान बच्चे सब बाहर शिक्षा लेने जाते हैं, यहाँ कोई भी राजनैतिक दल अच्छे संस्थान की व्यवस्था नहीं किया, जो भी करते हैं सब प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं और प्राइवेट संस्थानों की दशा आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट संस्थान क्या करते हैं। तो शिक्षा के लिए हमारा पूरा बस्ती जिला तड़प रहा है कि कोई अच्छा राजनेता ऐसा आवे कि जो शिक्षा का विकास कर सके, इससे हमारे नौजवान बस्ती के प्रोडक्ट होके आगे बढ़ सके, शिक्षा की ये दशा हमारी है। बस्ती के लोगों की माने तो बस्ती एक ऐसा जिला है जो सुविधाओं से, जहां पर सुविधाओं का सख्त टोटा है, हाईवे है लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ये है कि कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर, जो तमाम जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलते हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, इन तमाम समस्याओं से बस्ती जूझ रहा है, ये कब तक जूझ रहेगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं इजाजत, मिलते हैं किसी और नुक्कड़ पर चुनावी घुमक्कड़ में। तो